हेलो दोस्तों, आज हम पेटिस बनाएंगे। पेटिस के लिए हमने मैदा को ले लिए हैं। ये देखिए, मैदा को हमने अच्छी तरह से छान लिए हैं। अब हम इसे नमक और रिफाइंड डालकर इसे हम गूंद लेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो हम इसे रिफाइंड डालकर हम गूंद लेते हैं नमक डालकर। ये देखिए, इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और हम इसमें रिफाइंड डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मूंग का मल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से मल लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे मिला लिए हैं। अब इसे हम जिस तरह से पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरह से हमें इस आटे को लगा लेना है पानी डालकर। ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से आटे को गूंद लेना है। अब इसे हम ढककर रख देंगे। इसे हम ढक के पेस्ट के लिए रख देते हैं। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आलू को बॉईल कर लिए हैं। अब इसे हम मैश कर लेते हैं पेटिस में डालने के लिए। मसाले को हम रेडी कर लेते हैं। आलू को हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसे हम फ्राई करते हैं। धनिया, सौंफ, जीरा, ये सभी को हम भून लेंगे आलू में डालने के लिए मसाले। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाले में। इसे हम भून लेते हैं। ये देखिए, इसे पाउडर बना लिए हैं मसाले को। इस तरह से इसका पाउडर बनाना है। ये देखिए, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये देखिए, अदरक और हरी मिर्च को हमने घिस लिया है। अब इसे हम डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च को इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्च भुजा गया है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ये देखिए, आलू डाल दिए हैं। हम इसमें मसाले को डाल देंगे। देखिए, इसमें हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल दिए हैं। अब इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। ये देखिए, चाट मसाला इसमें डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम सभी को चला लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें भुजा हुआ मसाला डाल देंगे। इससे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और पेटिस बहुत ही टेस्टी बन जाएगा दोस्तों। इसे घर में पेटिस बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे घर में बनाकर रेडी कीजिए। तो देखिए, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगा है। अब मसाला भुज गया है। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मसाला बनके रेडी हो गया है। अब हम साटा बना लेते हैं। ये देखिए, साटा के लिए हम मैदे को ले लिए हैं। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, रिफाइंड डाल देंगे।
इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए बन के रेडी हो गया है। अब हम मैदे को देख लेंगे। देखिए मैदा सेट हो गया है। अब इसे हम मल लेंगे। मलकर देखिए मलकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे लोइया बना लेंगे। देखिए इस तरह से लोई को बना लेना है। अब हम इसे गोल गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं बेल लेना है, इतना पतला। ये देखिए इस तरह से अब हम सभी को बेल लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों सभी को हम बेल लिए हैं। अब हम इस पर देखिए बेल लिए हैं। अब इस पर हम साटा लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें आटा छिड़क देना है। अब हम फिर दोबारा रोटी को इस पर डाल देंगे। देखिए सभी को हम चिपका लिए हैं। अब इसे हम रोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम टाइट करके गोल राउंड कर लेंगे, गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें गोल कर लेना है। अब हम इसे थोड़ा सा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस साइड से इसे हम काट लेंगे, इसको काट कर हटा देंगे और हम इसे पीस पीस काट लेते हैं। ये देखिए इसे हम पीस पीस काट लिए हैं। अब हम इसे ये देखिए अब हम इसे ये देखिए इस तरह से कितना लेयर बना है। अब हम इसे इस तरह से इसे हाथ से इसे दाब देंगे, हल्का दा हाथ से दाब कर इसे हम बेल लेते हैं। इस तरह से सभी को हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बेल लेना है। अब इसे हम चारों तरफ काट लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से काट लिए हैं। अब इसे हम हटा देंगे। देखिए हटा लिए हैं। अब हम चारों तरफ से पानी लगा देंगे जिससे कि वो चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से आलू को रख देना है और ये फूल से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से चिपका देना है। अब हम सभी को इस तरह से गढ़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों सभी को हम भर लिए हैं मसाला। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे हम डाल दिए हैं। इसे हम मीडियम आंच पर ही रखेंगे, वो अपने आप ऊपर में आ जाएगा। देखिए ऊपर आने लगा है। अब हम इसे पलट देंगे।
नीचे देखिए इस तरह से फूल रहा है। ये देखिए दोस्तों सुना गया है, रेडी हो गया है। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। देखिए इसे एक बार जरूर बनाकर खाकर देखिए, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए दोस्तों एक बार इसे जरूर बनाकर खाकर देखिए।